दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर देवेंदर बमबीहा गैंग के एक गैंगस्टर जिसका नाम दीपक मान जेतो बताया गया, कल उसे हरियाणा के सोनीपत में देवेंदर बमबीहा गैंग के उस गुर्गे को लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग के बदमाशों ने बहुत ही बेरहमी से उसकी हत्या की और उसे एक खेत में फेंक दिया। पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और मालूम चला कि गैंगस्टर जो है बमबीहा गैंग का है और इसकी अदावत जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थी और इस पूरे केस में जांच पड़ताल की जाने लगी। जांच पड़ताल करने के बाद अब इस केस में बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, वही हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहला खुलासा ये हुआ है कि गोल्डी बराड़ के बदमाशों ने जब बमबीहा गैंग के उस गैंगस्टर की हत्या की तो सबसे पहले एक तस्वीर क्लिक की और गोल्डी बराड़ को व्हाट्सएप के जरिए भेजा कि देखो हमने जो टारगेट तुमने दिया था हमने उस टारगेट को पूरा किया और बमबीहा गैंग का वो शूटर मारा जा चुका है। दूसरी बात यह है कि जिस गैंगस्टर को मारा गया है वो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को सोशल मीडिया पर चुनौती दे रहा था और कह रहा था कि दम है तो हमें दिखाओ, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तीसरी बात ये भी चर्चा करेंगे, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि इसी गैंगस्टर ने गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या की थी और 3 सालों से इसे गोल्डी बराड़ खोज रहा था। चौथी बात, इस केस में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के वो चारों शूटर पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने बमबीहा गैंग के इस गैंगस्टर की हत्या की है। वो चारों कैसे पकड़े गए और उन चारों का इसमें क्या रोल था और कैसे इन चारों बदमाशों का सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक गैंगस्टर के साथ संबंध भी निकल कर सामने आ रहा है, तो इन सभी बातों की समीक्षा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही इस हत्याकांड में, इस गैंग वॉर में जो क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आया है, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं PTF न्यूज़। दोस्तों, आप सभी को जैसा मैंने जिक्र किया, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, यही है गैंगस्टर दीपक मान ज्योतो और जिसने बमबीहा गैंग में शामिल होने के बाद करीब 12 से ज़्यादा हत्या और हत्या की कोशिश को अंजाम दिया और इसकी तलाश पंजाब के फरीदकोट जिले की पुलिस को थी, लेकिन ये पंजाब पुलिस को लगातार धूल झोंक कर आँखों में फरार होने में कामयाब हो रहा था। और कल दरअसल हुआ ये कि गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उसने पोस्ट किया कि बमबीहा गैंग के एक एक शूटरों को हम ऐसे ही मारेंगे, चाहे जहां पर क्यों कोई क्यों ना छिपा हो, देखो रुको और आगे आगे क्या कुछ होता है देखते जाओ। इससे पहले हरियाणा की सोनीपत की जो सदर की पुलिस है उसे एक सूचना मिली कि खेतों में एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश को देखने के लिए या फिर उसका जो है सब कुछ जानने के लिए हरियाणा के सोनीपत जिले सदर की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम दोनों मौके पर जाती हैं और देखती हैं कि एक व्यक्ति जो मरा पड़ा है खेतों में, उसके शरीर पर गोलियां दागी गई थी, कई गोलियां मारी गई थी उसे, और उसकी तस्वीर का जब मिलान किया जाता है अपराधियों से तो थोड़ा सा पुलिस को शक होता है कि ये तो कोई गैंगस्टर है। और जब शक जो है किसी निष्कर्ष पर पहुँचने की तामील पर पहुँचता है तो हरियाणा की पुलिस पंजाब के फरीदकोट जिले की पुलिस को इस गैंगस्टर की तस्वीर भेजती है तो वहाँ से कंफर्म होता है जी हाँ, ये हमारे यहाँ का गैंगस्टर है और इसका नाम है गैंगस्टर दीपक मान और फजेतो, जो 12 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम देकर फरार है, बमबीहा गैंग में शामिल है और इसका नाम इससे पहले गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या में शामिल था। अब सवाल ये है कि ये सब तो कन्फर्म हो चुका था कि ये कौन था, क्यों मारा गया और इसकी तलाश पुलिस को थी। अब जब गोल्डी बराड़ का सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी वाला पोस्ट आया दोस्तों, तो लोग अचरज में पड़ गए कि गोल्डी बराड़ आखिर कनाडा और अमेरिका में उसके बारे में चर्चा आती है कि वहाँ पर बैठा है और वहाँ पर बैठकर वो लोगों को इतनी आसानी से कैसे मरवा लेता है। तो सबसे पहले उसके पोस्ट के बारे में हम आपसे बताएं तो पोस्ट में उसने लिखा था कि दीपक मान शूटर की तलाश हमें 3 साल से थी और हम 3 साल से मारना चाह रहे थे और मारना क्यों चाह रहे थे वो भी हमने आपको बताया, गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला था। और उसने कहा कि जितने भी लोग अभी ज़िंदा बच गए हैं वो ये ना समझे कि वो लोग जिंदा बच के आराम से निकल जाएंगे, उन सबको मारूंगा और वेट एंड वॉच, कुछ इस तरह से उसने लिखा था। ये मेरे शब्द नहीं है, गोल्डी बराड़ के शब्द हैं। और इसके बाद शूटर हायर किए गए उसके बाद मारा गया उनको। और कहा तो ये भी जा रहा है कि जब लॉरेंस और गोल्डी के चारों शूटर उस गैंगस्टर को मारने के लिए निकले, जब उनकी लोकेशन का पता उन्हें चला, तो सबसे पहले उन्होंने उस गैंगस्टर का किडनैप किया और उसे किसी एकांत जगह पर ले गए, उसे गोलियां मारी गईं,
गोलियां मारने के बाद उसकी तस्वीर क्लिक की गई और गोल्डी बराड को व्हाट्सएप के जरिए उसे भेजी गई कि भाई देखो, जिसने जो टारगेट तुमने हमको दिया था वो टारगेट हमने अचीव कर लिया और उस गैंगस्टर को हमने मार गिराया जिसकी तलाश तुमको 3 सालों से थी। गोल्डी बराड ये देख के बहुत खुश हुआ और अपने शूटरों को शाबाशी जैसे वो हमेशा से देता है वैसे इस बार भी दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर जैसा मैंने जिक्र किया एक्टिव हुआ, वहाँ पर भी वो अपनी खुशियाँ जाहिर करने लगा। अब सवाल उठता है कि जो दीपक मान उर्फ जेतो हैं, ये इसके दुश्मनी क्या थी गोल्डी बराड से? तो मैंने एक तो जिक्र किया आपसे गोरलाल बराड का, वो तो था ही। दरअसल आपको याद है अब से करीब 11 से 12 दिन पहले कनाडा के विनीपेग सिटी में गैंगस्टर सुखा धुनके उर्फ सुखदुल सिंह, जो बम्बीहा गैंग में शामिल था, वो मारा गया था। और उसकी हत्या के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई ने गुजरात के अहमदाबाद की जेल से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि इस हत्याकांड को हमने अंजाम दिया, और उसने भी गोल्डी के अंदाज में लिखा था कि सबको मारेंगे, चुन चुन कर मारेंगे, वेट एंड वॉच, कुछ इस तरह से। लेकिन बाद में अहमदाबाद की जेल ने पुष्टि की कि लॉरेंस बिश्नोई तो यहाँ पर बंद है, यहाँ पर उसके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, ना ही उससे कोई मिलने आता है। तो अहमदाबाद की साबरमती की जेल ने एक तरह से डिनाई किया था कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस पोस्ट को नहीं किया है। खैर, लॉरेंस बिश्नोई के पास इंटरनेट नहीं है और उसके पास इंटरनेट का एक्सेस कैसे होता है, जेल में सब कुछ कैसे करता है, ये सब तो आप देख ही चुके हैं, जेल से इंटरव्यू कैसे होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, अहमदाबाद की जेल ने कहा है तो उसे हमें मानना पड़ेगा। खैर, इसके बाद हमने देखा कि उसी गोल्डी बराड को लॉरेंस बिश्नोई के उसी सोशल मीडिया के पोस्ट पर गैंगस्टर देवेंदर बम्बीहा गैंग का ये शूटर दीपक मान चुनौती देता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा कि भाई तुमने सुखा धुनके को तो मार दिया क्योंकि वो कमज़ोर था, कनाडा में था, वगैरह वगैरह, तुम्हारे घर अंदर हिम्मत हो तो तुम हम में से किसी एक को छूकर दिखाओ, तुम्हारा वो अंजाम करेंगे कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि उसके बाद ऐसा कुछ सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह कर पाओगे। अब गोल्डी बराड ये पोस्ट देखकर उसका ईगो हर्ट होता है, और एक तो पहले से वो 3 साल से इसका तलाश कर रहा था, ऊपर से सामने से आके उस गैंगस्टर ने गोल्डी बराड के अंदर जो आग धधक रही थी उस आग को उसने और भड़का दिया, उसमें घी डाल दिया। अब गोल्डी बराड ने सब कुछ छोड़कर अपने 4 शूटरों को तैयार किया इसे मारने के लिए, और उनके शूटर उसका पता कैसे लगाएं भाई ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आजकल ज़माना हाईटेक हो चुका है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में ये बात कही जाती है कि पुलिस से ज़्यादा हाईटेक लॉरेंस बिश्नोई की गैंग है। अब 4 शूटर तैयार होते हैं, उन 4 शूटरों को जो टारगेट दिया जाता है उसे पूरा करते हैं, पुलिस को जानकारी मिलती है। अब दरअसल आता है वो दौर जब उन 4 गैंगस्टरों को पुलिस पकड़ने में भी कामयाब होती है। दरअसल ये सब हुआ कैसे तो आपको बताएं, दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस एक्टिव हो चुकी थी और गोल्डी बराड गैंग के बदमाशों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही थी, खबरें नेटवर्क को अलर्ट कर दिया गया था। तभी पुलिस को एक गुप्त सूचना मिलती है कि 4 बदमाश जिन्होंने देवेंदर बम्बीहा गैंग के शूटर को मारा है वो एक जगह पर छिपे हुए हैं, और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जाती है। और जब देखते हैं वो बदमाश की पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है तो पुलिस पर फायरिंग करने लगते हैं, जवाब में पुलिस भी क्रॉस फायरिंग करती है जिसमें 3 बदमाशों को गोलियां लगती हैं पैरों में और 1 बदमाश ऐसे ही पकड़ा जाता है मुफ्त में। जिन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम मंजीत है, दूसरे का नाम चेतन है, तीसरे का नाम ओजस्वी है और चौथे का नाम जगवीर है। ये 4 गैंगस्टर यानी मंजीत, चेतन, ओजस्वी और जगवीर, ये 4 गैंगस्टर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल एक गैंगस्टर था, आपको याद होगा, जिसका नाम था प्रियव्रत फौजी। उसका गांव सिसाना गांव के चारों रहने वाले हैं, और तभी से ये कयास लगाया जा रहा है कि ये 4 बदमाश प्रियव्रत फौजी के कहने पर ही आए होंगे, और प्रियव्रत फौजी ने ही गोल्डी बराड के लिए इन चारों बदमाशों को जो है हायर किया होगा या फिर इन्हें तैयार किया होगा। फिलहाल इनके पैरों में तो गोलियां लगी, इन्हें खरखौंदा के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, इलाज इनका चल रहा है। ये जब वहाँ से ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, इनकी चोट वगैरह सब ठीक हो जाएगी, तो एक बार पुलिस इन्हें कोर्ट में पेश करके इनका रिमांड लेगी और इस केस में खुलासा हो जाएगा। अब देखिए, सब लोग पकड़े जा चुके हैं, गोल्डी बराड का भी बदला तथाकथित रूप से पूरा हो चुका है, लेकिन एक डर है इस वक्त में जो बहुत ज़्यादा भयानक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वो डर है गैंगवॉर का। क्योंकि आपको याद होगा जितेंद्र गोगी की जब दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई थी तब गोगी गैंग के बदमाश टेल्लू ताजपुरिया से बदले की खातिर किस तरह से दिल्ली के अंदर एक्टिव हो गए थे, हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे थे, यानी कि उन्हें हर हाल में बदला चाहिए था।
तो ठीक वैसे ही बम्बीहा गैंग के बदमाश भी अब बदले की खातिर गैंग वॉर को अंजाम दे सकते हैं। और अब तक अगर गैंग वॉरों की बात की जाए तो भाई मुझे तो याद नहीं है, मतलब गिनती नहीं है कि कितनी बार लॉरेंस वर्सेस बम्बीहा गैंग में गैंग वॉर हुई है। तो पुलिस के सामने एक चुनौती है गैंग वॉर को रोकना, लेकिन गैंग वॉर की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन देखना होगा कि पुलिस कैसे पंजाब से लेकर दिल्ली और हरियाणा के अंदर इन बदमाशों के अंदर जो इनका खून जो दौड़ रहा है, इनके बीच में जो बदले का खेल चल रहा है, ये कैसे रोकती है। तो जैसा कुछ होगा हम आप तक बताएंगे, पहुंचाएंगे। अगर इस वीडियो को आप इस वीडियो के बारे में आपसे पूछें, जानकारी आपको सही लगी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, जय हिंद।